आपको कैसे पता चला कि आपका बेटा आपसे ज्यादती करता है? मैंने दो बार उसको मैंने पकड़ा भी है उसको मैंने। कैसे? एक पहली बार तो मैंने उसको पकड़ा मैंने, तो मैं सोई हुई थी तो उसने वैसे हरकतें कर रहा था। मेरा कि आपके आगे यही कहती हूँ कि मैंने पता कौन सा गुनाह किया है कि मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा करती है। अस्सलाम वालेकुम, इंस्टा न्यूज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, ये जो बहन आप मेरे साथ देख रहे हैं, इसकी इज्जत को ख़राब करने वाला कोई और नहीं, इसका अपना सगा बेटा जो अपनी माँ की इज्जत को तार तार करता रहा और एक बार नहीं बार बार करता रहा। जुल्म की एक ऐसी दास्तान कि जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम इनसे बात करते हैं कि क्या मामला हुए, कैसे इनका बेटा जो है वो इनके साथ इतनी घिनौनी हरकत करता रहा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सिद्रा है। अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताएं कि आपका बेटा था वो आपके साथ गलत हरकत करता था, कैसे उसने इतना बड़ा काम कर लिया? मैं सोई होती थी मैं। अच्छा, तो मैं आइस वगैरह पीती थी मैं। आइस पीती थी? आइस पीती मैं। अच्छा। तो मैं सोई होती थी, मैं नशे जो भी कुछ भी करती हूँ मैं, तो कम से कम उसको तो चाहिए ना कि मेरी मम्मा है इसका दुपट्टा उतरवाया जाए, ये इसको क्या हुआ है, इसके ऊपर मैं दुपट्टा दूँ या कोई चादर दूँ, हैं उसको ये तो नहीं ना। आपके कहने का मतलब ये है कि मैं जैसी भी हूँ, मेरे बेटे को रिश्ते का तकद्दस रखना चाहिए था कि मैं उसकी माँ हूँ, ये मतलब है? जी ठीक। तो मैंने उसको इतना मुश्किल से मैंने पाला 9 महीने। हर माँ करती है, हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद अच्छी हो, उसकी परवरिश अच्छी बने। मैंने उसके लिए मैंने परवरिश अच्छी बनाई उसकी। मैं घरेलू घर में थी, मेरी शादी थी, मेरे 4 बच्चे थे, तो मेरे बच्चे ने एक बार भी नहीं 3 बार मेरे साथ किया। बेटा एक ही था? एक नहीं, मेरे 2 बेटे हैं। तो ये एक ही बेटा आपके साथ ज्यादती करता था? बड़ा बेटा यही है, सबसे बड़ा बेटा ज्यादती करता था। हाँ। तो मैंने उस पर इत्मीनान किया, मुझे मैं ज्यादा शौक से चाय पीती थी मैं। तो मैंने कहा, मैंने रात को जब 12 बजे मम्मा मैं चाय लेके आऊँ। अच्छा। मैं कहा चाय ले आऊँ। चाय लेके आनी, मुझे नहीं पता उसने क्या चाय में डालना है, क्या करना है, मुझे किसी का इलम भी नहीं होना। तो उसने चाय में कुछ डालना है, तो मैंने सो जाना है, मुझे सुबह उठना है, थोड़ा थोड़ा इतना नशा भी नहीं होना, क्योंकि इस नशे से ज़्यादा कोई नशा भी नहीं है। तो बस उसने ऐसे किया, मैंने इसको मतलब आपको पहले नशावर चीज़ पिला देता था, फिर उसके बाद रात को ज्यादती करता था। तो मैंने कहा इतना भी नहीं नशा होता था, जब जैसे इस चीज़ का नशा, इसका नशा है, आज का नशा तो इतना नहीं है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। मैंने फिर मैंने एक दफ़ा पढ़ कर लिया, मैंने रोई भी मैं। आपको कैसे पता चला कि आपका बेटा आपसे ज्यादती करता है? मैंने दो बार उसको मैंने पकड़ा भी है उसको मैंने। कैसे? एक पहली बार तो मैंने उसको पकड़ा मैंने, तो मैं सोई हुई थी तो उसने वैसे हरकतें कर रहा था, उसे गलत हरकतें आपके साथ कर रहा था, करने लगा, पूरी कोशिश कर रहा था। अच्छा। हाँ, कि मेरी कम से कम मेरी सलवार उतारने के लिए कोशिश थी उसकी, कि मैं उसकी सलवार, माँ की बेटा कर रहा था, ये बड़ी सलवार थी मेरी, उतरे नहीं थी, तो मैंने सर्दी थी, बहुत सर्दी थी, नहीं उतरे थी, आग मारी मेरे अंगूठे के अंदर अपनी डाल दी हुई है। तो मैं रोने शुरू हो गई। मैंने अब से ही दुआ मांगी, मैं कल अब जैसे मेरी औलाद है ना, किसी को ला ना, आज जो भी है मेरे उस बेटे की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, धक्के खा रही हूँ मैं पता कैसे करके बीमार हूँ मैं, मेरा पेट इतना दर्द हो रहा है, तो मैंने भूख से पेट दर्द हो रहा है। नहीं, वैसे ही मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरे बैली में पेन हो रही है, तो मैं फिर भी किसी के आगे ऐसे नहीं करती, मैं किसी के साथ बुराई नहीं करती मैं, तो मैं पता क्या बात है, मेरा कि आपके आगे यही कहती हूँ कि मैंने पता कौन सा गुनाह किया है कि मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा करती है। नाज़रीन देखें कि इनका बेटा, मतलब मुझे तो कहते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है कि ये एक रिश्ता होता है माँ और बेटे का, और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा इज्जत वाला रिश्ता कोई होता नहीं है। एक बेटा माँ के साथ इतनी गंदी हरकत करे कि जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि नशावर चीज़ पिला के फिर उसको ज्यादती का निशाना बनाया जाता था। और अच्छा मुझे ये बताइए, पानी पीना आपने?
अच्छा आप ये बताइए कि अब आपके पास घर बार कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, मैं आदमी औरत का ये होता है कि मेरा घर, मेरी छत हो, मेरा घर हो। अब रात को भी यहीं पे होती है, अब तो सर्दियां शुरू हो गई हैं, रात को तो बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ भी नहीं होती, जहाँ भी जगह मिले, वो जगह फुटबाल है, वो बड़ा तभी जगह मिले सो जाते हैं। बेटे की कभी शिकायत नहीं लगाई किसी को जाके कि मैं शिकायत लगाऊं कि मुझे इंसाफ मिले कि मेरा बेटा इस तरह की नहीं है? उसके बहन भाई नहीं आते, सबसे बड़ी बहन को बोला है, उसने नहीं कोई एक्शन लिया। बताया सबको आप? सबको बताया, सब बहन भाइयों को बताया, किसी ने एक्शन नहीं लिया। सब यही बोलते पैसे के, पैसे बगैर या सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो मैं कह रही क्या कर सकती हूँ, बंदा वो मुझे वैसे भी छोड़ गया, सब कुछ खाया पिया छोड़, आपको खाया पिया आपके शौहर ने और आपको छोड़ भी दिया। मेरे तीन बच्चे उसके पास हैं, बस आप अकेली हैं? कोई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, सब मेरे ऊपर दुख लगाते हैं, सब उसका साथ देते हैं, शैतान का, आपके बेटे का। हाँ बताए, इतने इतना जो होता है, जो मोमन होते हैं वो तो मोमन शैतान का साथ तो नहीं देंगे, वो तो चौक नहीं मारेंगे, वो तो बात खड़ी करेंगे, इंसाफ करेंगे। अब क्या आप कर सकते हैं, बातें मेरी ख्वाहिश यही है कि आप जल्द से जल्द आप उसको सजा दिलाएं कि नेक्स्ट टाइम कहीं भी किसी भी माँ को ऐसी औलाद कभी ना पैदा हो। मेरी ये दुआ करती हैं कि आपके बेटे जैसी औलाद जो है वो किसी माँ को ना दे। बस जी नाज़रीन, लाजमी बात है, इनके साथ जो हुआ है उसके बाद इन्होंने यही कहना था कि जैसी औलाद इनकी है अल्लाह किसी को ऐसी औलाद ना दे, औलाद दे तो नेक और साले औलाद दे। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।